तो यार फ्रीजा को आखिरी बार हमने देखा था ग्रेनोला के आर्क में ब्लैक फ्रीजा के फॉर्म में। सबकी उम्मीदें यही थी कि ग्रेनोला के मांगा के बाद नया आर्क ब्लैक फ्रीजा पर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ड्रैगन बॉल फैंस के सामने वो आर्क प्ले कर दिया जाता है जिसको वो ऑलरेडी 6 महीने पहले देख चुके होते हैं। अगर सच कहा जाए ड्रैगन बॉल सुपर में आज के वक्त में मांगा में पावर स्केलिंग जो है कैरेक्टर्स की वो काफी बेकार है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, काफी बेकार पावर स्केलिंग कैरेक्टर्स को दी जा रही है, चाहे वो ग्रेनोला हो या गैस हो या फ्रीजा हो। फिर गोहान का नया फॉर्म बीस्ट गोहान ही क्यों ना हो। कैरेक्टर्स के पावर स्केलिंग के पीछे कोई रीजन नहीं दिए जा रहे कि आखिर उन्होंने इतना पावर अप किया कैसे। वैसे अगर आप लोग एनिमे के रियल लाइफ में भी काफी बड़े फैन हो और आप अपने फेवरेट एनिमे के टी शर्ट एमेजोन या दूसरे साइट से ऑर्डर करते हो तो आई विल से ट्रेंड जीज नाम की एक वेबसाइट है जहां से आप अपने फेवरेट एनिमे प्रिंटेड टी शर्ट को बाय कर सकते हो। इसमें आई कैन सी आपको नारुतो का प्रिंट, अटैक ऑन टाइटन का प्रिंट, डेमन स्लेयर का प्रिंट और लेटेस्ट एनिमे चेनसॉ मैन का भी प्रिंट आपको अवेलेबल मिल जाता है। और इसमें अभी सेल चल रही है जिसमें आपको 25% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। सो या अगर आपको एनिमे प्रिंटेड टी शर्ट ऑर्डर करने हैं और भीड़ में आपको काफी अलग दिखना है, या फिर अगर आप सोच रहे हो कि काफी दिनों से एनिमे टी शर्ट नहीं मंगवाई, तो ये वेबसाइट को आप लोग जरूर जाके चेकआउट करो और इंस्टाग्राम पर इन्हें फॉलो करो। आपको इंस्टाग्राम का लिंक और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो गो एंड चेक आउट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जो शख्स गोकू के ब्लू फॉर्म को नहीं छू पा रहा था उसने एक ही बार में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कैसे सरपास कर दिया, और मैं यहाँ फ्रीजा की बात कर रहा हूँ, उसके ब्लैक फॉर्म की। खैर फ्रीजा के ही वर्ड्स थे कि वो ऐसी जगह पर गया था खुद को ट्रेन करने के लिए जहाँ उसके लिए टाइम काफी फास्ट चल रहा था, जिसके वजह से अभी के वक्त में अभी के पावर लेवल के मामले में वो गोकू और वेजिटा से 10 साल आगे है। और ये फ्रीजा ही बताता है कि वो टाइम चेंबर में नहीं बल्कि वो एक कंप्लीट अलग डायमेंशन में था जहां वो अर्थ के वक्त से 10 साल आगे चल रहा था, जिसके वजह से अभी के वक्त में अभी के पावर लेवल के मामले में वो गोकू और वेजिटा से 10 साल आगे है। और ये फ्रीजा ही बताता है। तो यहाँ चीज ये है, क्या फ्रीजा ने उस डायमेंशन में जाके ट्रेनिंग लिया जैसे टाइम चेंबर में लेते हैं, या फिर वो डायमेंशन में जाके सिर्फ रुकने से ही वो और स्ट्रॉन्गर बनता गया, या यहाँ मामला कुछ टाइम ट्रेवलिंग का है। क्योंकि सीधी सी बात है, जब फ्रीजा ने टाइम ट्रेवल किया है, अगर वो सिर्फ फिजिकली नहीं टाइम से भी गोकू और वेजिटा से आगे है, तो उसे पता होगा कि 10 साल के गैप में और क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ फ्रीजा के ऊपर टाइम ट्रेवलिंग का भी मामला बनता है, क्योंकि उसने सिर्फ ये नहीं बोला फ्रीजा ने कि वो पावर लेवल के मामले में गोकू और वेजिटा से 10 साल ऊपर है, लेकिन वो ये भी तरफ इशारा करता है कि वो टाइम के मामले में भी गोकू और वेजिटा से 10 साल आगे है, कि मेरा पावर लेवल आज के वक्त में इतना है कि तुम लोग 10 साल तक भी चेस नहीं कर पाओगे। खैर अब बात करते हैं टाइम ट्रेवल के ऊपर। अगर फ्रीजा ने कुछ करके ये पता लगा लिया है कि आने वाला 10 साल उसके लिए कैसे होगा, तो जरूर वो उस 10 साल को अपने लिए चेंज करेगा जैसे उसके साथ पास्ट में हुआ था। उसको पता था एक लेजेंडरी वॉरियर पैदा होने वाला है उसको मारने के लिए, तो उसने उस चीज को बदलने की कोशिश किया। और तुम लोग को याद होगा फ्रीजा मांगा के आखिरी में गोकू और वेजिटा को ये बोल के निकलता है कि ये वक्त पर गोकू और वेजिटा उसके लिए इतने जरूरी नहीं है कि वो उनके ऊपर अपना टाइम बर्बाद करे, उसे इस वक्त किसी और की तलाश है। अब देखो सिंपल सी बात है कि आखिर फ्रीजा जैसा शख्स गोकू और वेजिटा को ऐसे मामूली लोगों में गिने और वो कह रहा है मुझे किसी और की तलाश है, तो इसे एक हिंट हमें मिलता है। फ्रीजा को पहले से पता है उसको किसकी तलाश है, और फ्रीजा ने ये भी जिक्र किया था कि वापस आने से पहले वो अपना जरूरी काम निपटा कर आएगा। यानी कि साफ है फ्रीजा ने टाइम ट्रेवल किया है, उसको इस बात का अंदाजा था। अगर वो 10 साल के अंदर स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, ब्लैक फ्रीजा को अचीव नहीं करता, तो कोई शख्स यूनिवर्स में था जो उसके लिए थ्रेट बन रहा था, जिसके वजह से अब वो जाके उसको रोकने की कोशिश करेगा और उसको अपने रास्ते से हटा देगा कि तुम मुझे हटाने की सोच रहे थे, मैंने तुम्हें हटा दिया। यहाँ ये बात साफ है, क्योंकि देखो इसका प्रूफ इससे भी होता है। यहाँ ध्यान से सुनना आप लोग, शायद आप लोग अग्री करोगे। जब फ्रीजा एलेक के पास आता है, उसे सब पता होता है कि एलेक क्या प्लान कर रहा है फ्रीजा को लेके, वो कैसे मेरे खिलाफ षड्यंत्र बना रहा है मुझे रास्ते से हटाने के लिए। सवाल ये तो बनता है ना, आखिर फ्रीजा को ये खबर कहाँ से लग गई, किसने आके बता दिया फ्रीजा को ये बात कि एलेक का ग्रुप उसके खिलाफ ये सब करने की कोशिश कर रहा है। फ्रीजा को सपना तो नहीं आया ना। सीधी सी बात है, फ्रीजा वो 10 साल के गैप को देखकर वापस आया है। वो सिर्फ पावर लेवल के मामले में 10 साल आगे ही नहीं है, लेकिन उसको सब पता है कि आने वाले और 10 साल में क्या क्या
होने वाला है और उसको किस तरीके से ये 10 सालों में जो उसने देखा है वो उसे बदलना पड़ेगा। तो सवाल ये है, फ्रीजा ने ऐसा क्या देख लिया आने वाले 10 साल में जो अब उसे वो बदलना है? अगर फ्रीजा 10 साल नहीं देख पाता टाइम ट्रेवल करके, तो फ्रीजा के साथ इन 10 सालों के अंदर ऐसा क्या होने वाला था जिसको वो बदलने निकला है? क्या जो इन्फॉर्मेशन फ्रीजा के पास है आने वाले टाइम को लेके, यूनिवर्स को लेके, उन 10 सालों को लेके, क्या फ्रीजा ये इन्फॉर्मेशन गोकू और वेजिटा के साथ शेयर करेगा? क्योंकि आखिरी बार फ्रीजा की बॉडी लैंग्वेज, उसके बोलने का अंदाज ये साफ दर्शा रहा था कि वो काफी उलझन में है, उसके पास वक्त काफी कम है। उसे ये बात का पूरा अंदाजा है कि वो क्या करने जा रहा है और क्यों करने जा रहा है। तो मेरी उम्मीद है आप लोग मेरी थियोरी से सहमत रहोगे, और अगर हो तो वीडियो को लाइक करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे हम जल्दी से जल्दी 500K तक पहुंच पाएं। और कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्या फ्रीजा सिर्फ पावर लेवल में ही टाइम ट्रेवल किया है, या वाकई में उस टाइम ट्रेवल को करते वक्त उस वक्त को भी देखा है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।